जस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में श्री गौरी शंकर मंदिर से खाटू श्याम जी की 11वीं रथ यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम का आयोजन सतीश रस्तोगी, श्री श्याम सरनम मंडल, साथ ही सहयोगी व सलाहकार सुभाष गोयल जी द्वारा किया गया। मैं सतीश रस्तोगी, श्री श्याम सरनम मंडल जिसके तत्वाधान में बड़े भाई सुभाष गोयल जी, जिनका हम आशीर्वाद लेते हैं, उनका गौरी शंकर भगवान के सेवक हैं। 11वीं यात्रा है ये चांदनी चौक में, जो सुभाष गोयल जी के तत्वाधान में निकलती है। बड़ी सेवा करते हैं भगवान की, और श्याम बाबा खाटू वाले का डोला होता है, क्योंकि फागुन खत्म हो रहा है, होली को परसों फागुन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये याद, ये बाबा का आशीर्वाद, खाटू वाले की कृपा, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा सब पर बरसती है। ये गौरी शंकर भगवान जो आदमी निर्बल होता है उसको बलवान बना देते हैं, कृपा करते हैं। बोल गौरी शंकर भगवान खाटू नरेश की, बालाजी महाराज की। यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे? यात्रा हमारे गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक चलते हुए फतेहपुरी से वापस आएगी, घंटागढ़ से मुड़ के बनकंडी महादेव मंदिर पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने समाप्त होगी। राहुल भारद्वाज, और आज का जो ये यात्रा है ये हमारी गौरी शंकर मंदिर शुरू होकर के फतेहपुरी होते बनकंडी मंदिर में समापन होगा इसका, और नित्य तकरीबन 10 साल से ये यात्रा निकल रही है। ठाकुर जी की कृपा शक्ति जी पे ऐसी है कि 10 साल से इस यात्रा को निरंतर ही लेकर के चल रहे हैं, और नए नए प्रेमी इसके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इस यात्रा में अपना सहयोग करके, भागीदारी दे करके इस पुण्य पुण्य कार्य में अपना सहयोग करे, और निरंतर वह यात्रा चलती आ रही है। मैं संजय मित्तल, दिल्ली चांदी वर्ग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और जो हमारी ये यात्रा निकल रही है और जो बहुत पुरातन काल से चली आ रही है, लगभग 11वीं यात्रा है, और दिल्ली 6 यानी भी बॉल सिटी बोला जाता है, तो इसकी एक अलग ही गरिमा है। तो इस यात्रा में सभी लोग फागुन महोत्सव के आसपास बाबा श्याम का आशीर्वाद लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और इसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी आशा। मनोज गुप्ता, आज यात्रा हर साल यात्रा निकलती है, बाबा जी ज्ञान यात्रा होती है, और काफ़ी आनंद आता है। कुछ महिलाएँ भी और अपने जैन वगैरह भी, नबरी ताशी ढोल वगैरह नावड़े वगैरह सबके साथ चलते हैं। आगे रथ चलता है डोला तालादर बालाजी का, फिर अपने श्याम बाबा डोला चलता है, गौरी शंकर भगवान जी, बोल गौरी शंकर भगवान, श्याम प्यारी की जय। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानू ये सवरिया, मैं ही तो बस जानू ये। खाटू वाले श्याम दणी से मुझको मोहब्बत है, खाटू वाले श्याम दणी से मुझको मोहब्बत। खाटू जो नहीं
शान लेके आया, किस्मत जगा दी तूने। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, बिगड़ी बना दी तूने सावरिया, बिगड़ी बना दी तूने। तू ही मेरी पूंजी बाबा, तू मेरी दौलत है। तू ही मेरी पूंजी बाबा, तू मेरी दौलत है। मुझको सहारा दे दो, नैया मेरी बाबा अब डूबने लगी है, इसको किनारा दे दो सावरिया, इसको किनारा दे दो। यूं सारी दुनिया में चलती बाबा तेरी हुकूमत है, यूं सारी दुनिया यहाँ पे कीर्तन और जिस तरीके शोभा यात्रा निकाली है, आज पूरा
खाटू जी यहाँ चांदनी चौक में स्थापित हो गया है और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। और धर्म प्रेमी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार से हिंदू धर्म अग्रसर हो रहा है, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके के आयोजन हो जाने चाहिए और कोई भी तीर्थ त्यौहार इसमें सब में हर व्यक्ति को, हर हिंदू को हिस्सा लेना चाहिए। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आगे कोई भी इस तरीके का आयोजन होगा उसका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने, बाबा खाटू ने इसको ये जिम्मेदारी दी थी कि ये सभी व्यापारियों का जिसका काम मध्यम है उसका काम अप हो जाएगा। ये हारे का हर नाम का सहारा है। ये हारे के जो भी हारता है उसको विजय दिलाते हैं बाबा खाटू श्याम की। दिल्ली के सभी व्यापारियों के ऊपर असीम कृपा है और हर साल इसी तरह से ये झांकी निकलती रहेगी और हर साल इसी तरह से आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। बोल खाटू नरेश की जय। खुशियों का त्यौहार ऐसा ही हम मनाते रहे, एक बार उन्हें सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल खाटू नरेश की जय। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, सामने मेरी दुकान है माला बेटे, मेरा नीले कलर का काम है। और जी भवानी की जय और बाबा श्याम की जय। ऐसे ही हर साल यह यात्रा निकलती रहे और हमें सेवा का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम अजय जैन है, मेरे सामने ही उनका ऑफिस है। मेरा नाम किशन कुमार है और हमारे साथ में सजावटी साड़ी केंद्र के मदन भाई हैं। आज की ये जुलूस यात्रा बहुत बढ़िया रही, बहुत सुंदर है और इससे अपने संस्कृति का विकास हो रहा है और ऐसी यात्रा निकलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम। मैं गुलाब सिंह शर्मा श्री श्याम सुंदर मंडल से बावन खंडी महादेव के मंदिर के अंदर आज बाबा श्याम का ये रथ आया हुआ है जो लाल किले गुलशन का मंदिर से चलकर वाया फतेहपुर होते हुए आया है। यह प्रत्येक वर्ष की बात ही है, 11-12 वर्षों से ये रथ आ रहा है और इस बार भी आया है, लेकिन पहली बार इसका बनखंडी महादेव मंदिर के अंदर समापन हो रहा है क्योंकि बाबा की मूर्ति को स्थापित हुए 1 साल हुआ है। इसलिए यह रथ बाबा का जो रथ है यहाँ पे आया है और इसका समापन भी हमने बनखंडी मंदिर में किया है। और बाबा का फागुन महोत्सव चल रहा है जिसका सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, सबने बढ़ चढ़ कर इस रथ में बाबा के निशाने आता है कि इस रथ में सबने साथ दिया है, हिस्सा लिया है और सबने होली का इस रथ के साथ आनंद भी लिया है। और इसी समापन करता हूँ मैं अपनी आखिरी लाइन से कि आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मेरा नाम ऋषि बंसल है, जैसा कि राहुल भैया ने बताया हम सब श्री श्याम शरणम मंडल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बाबा की रोज की सेवा अर्चना पूजा भी हमारे मंडल के द्वारा करी जाती है और आज ये रथ यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इस विशाल शोभा यात्रा में सतीश जी निरंतर 10 या 11 वर्ष से इस यात्रा को बाबा करवा रहा है इनसे और हमारे मंडल को पहली बार ये सौभाग्य मिला। सतीश जी के दूसरी बार सतीश जी के कि उन्होंने हमारे मंडल को बाबा के इस कार्य में चुना हमारे को। हमें सभी जितने भी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं सभी का श्री श्याम शरणम मंडल की ओर से हम धन्यवाद करते हैं कि बाबा निरंतर इस यात्रा को चलाए रखे और इसी प्रकार बाबा अपनी सेवा में हमें लगाए। बोले खाटू नरेश की।